हेलो क्लास, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। ओके, चलिए आज की क्लास में मैं उज्ज्वल सर आपका स्वागत करता हूं। ठीक है बच्चों, आप सभी पढ़ रहे होंगे और पढ़ाई के प्रति जुनूनी होंगे, उम्मीद करते हैं। और इसी अंतराल में हम आपके लिए एक नए वीडियो लेकर आए हैं जिसका नाम है अध्याय 12 परमाणु की चैप्टर चल रही है आपकी। ठीक है, और इसमें आज जो हम पढ़ाने वाले हैं वो है आपका, दिस इज योर सेकेंड वीडियो, ये बात आपको पता है। सेकेंड वीडियो में आप लोग आए हैं और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, परमाणु का टॉमसन प्रतिरूप, है ना, या फिर भाई साहब टॉमसन का परमाणु प्रतिरूप, ऐसे भी लिख सकते हैं लोग, तो ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है चलिए हम लिखते हैं टॉमसन का परमाणु प्रतिरूप। ठीक है चलिए, तो ये हमारा हेडलाइन है आज का, नो प्रॉब्लम, टॉमसन का परमाणु प्रतिरूप। क्या देखेंगे इसमें, देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि टॉमसन का परमाणु प्रतिरूप क्या था। ठीक है देखिए, टॉमसन है ना, टॉमसन ने 1903 ईस्वी में, ठीक है, परमाणु का एक नया, ठीक है, मॉडल है ना सुझाया बताया है ना सुझाया भाई साहब बताया ओके जिसे जिसे टॉमसन का जिसे टॉमसन का परमाणु प्रतिरूप कहते हैं, ठीक है, या फिर परमाणु मॉडल कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसने एक परमाणु का मॉडल, एक परमाणु का नमूना समझाया, उसने परमाणु का एक आकार बताया। ओके देखिए उसने क्या मॉडल कहा, तो देखिएगा बच्चों, इनके अनुसार परमाणु, ठीक है, परमाणु का निम्न मॉडल दिया गया। ओके उसने बच्चों क्या मॉडल दिया वो देखिए, उसने क्या कहा वो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है बच्चों क्या, कि उन्होंने कहा परमाणु, ठीक है, परमाणु एक गोलाकार आकृति का है ना धनावेशित गोला है। ठीक है ऐसा कहा उसने, सबसे पहली बात उन्होंने ये कहा। ठीक है दूसरी बात उन्होंने क्या कहा देखिए बच्चों, उन्होंने कहा परमाणु का समस्त द्रव्यमान एवं प्रोटॉन का मतलब कहे तो धनावेशित कण। ठीक है बच्चों ऐसा करते हैं, इस धनावेशित कण को बाहर रह देते हैं और प्रोटॉन को अंदर कर देते हैं। ठीक है प्रोटॉन ओके तो बच्चों उन्होंने कहा कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान एवं धनावेशित कण पूरे गोले में है ना समान रूप से ठीक है
समान रूप से वितरित हैं, उन्होंने ऐसा कहा। समान रूप से क्या है? वितरित हैं, ये बात उन्होंने कहा। तीसरी बात क्या कही भाई साहब, वो देखिए। तीसरी बात उन्होंने कहा कि जिस प्रकार तरबूज में, ठीक है, बीज धंसे होते हैं उसी प्रकार ठीक है परमाणु के समस्त द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं ठीक है, ये बात उन्होंने कहा था। ओके, जिस तरह से तरबूज में जो बीज धंसे होते हैं ना, तरबूज होता है पूरा फैला हुआ गोला गोला और उसमें बीज बीच बीच में होते हैं, है ना, उसी तरीके से उन्होंने कहा था कि भाई साहब हमारे परमाणु का आकार होता है, मॉडल होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात उन्होंने कही थी, क्या कही थी वो देखिए। परमाणु के समस्त गोले में जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी संख्या में जितनी संख्या में भाई साहब धनावेशित कण, कौन सा कण? धनावेशित कण होते हैं उसी संख्या में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जिससे है ना परमाणु, ठीक है, उदासीन हो सके। ये बात उन्होंने कहा था। देख लीजिए, मैंने चार महत्वपूर्ण बिंदुओं में मैंने इसके परमाणु प्रतिदीप को समझाया है आपको। उन्होंने कहा था बच्चों, थॉमसन ने कहा 1903 ईस्वी में ऐसा कहा, उसने क्या कहा कि जो परमाणु का एक नया मॉडल सुझाया उसने 1930 ईस्वी में, परमाणु का एक नया मॉडल सुझाया जिसे हम लोग क्या कहते हैं, थॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं, ठीक है। ये बात हम समझ गए पहले, ये बात हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा था इनके अनुसार परमाणु का निम्न मॉडल दिया गया, ठीक है, या परमाणु के मॉडल के बारे में निम्न कथन कही गई, ठीक है। इनके अनुसार परमाणु का निम्न मॉडल दिया गया, निम्न नमूना बताया गया। उस नमूने में क्या कहा उसने, पहली बात उन्होंने कहा कि परमाणु एक गोलाकार आकृति का धनावेशित गोला है, गोलाकार आकृति का धनावेश गोला है, ठीक है, हाँ। दूसरी बात उन्होंने क्या कही बच्चों कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान एवं धनावेशित कण पूरे गोले में समान रूप से क्या होते हैं, वितरित होते हैं, ठीक है। उन्होंने पहली बात कही कि उसका जो पहली बात उन्होंने कहा कि जो धना जो परमाणु है ना गोला गोला होगा, गोल गोल होगा, कैसा होगा भाई साहब, गोल गोल होगा, ठीक है बच्चों। उन्होंने कहा कि भाई साहब आपका परमाणु कैसा होगा, गोल गोल होगा, ओके, ठीक है बच्चों। उसमें आपके समस्त द्रव्यमान जो है वह क्या होंगे भाई साहब, वह इस तरह से वितरित होंगे, समस्त द्रव्यमान क्या होगा, इस तरह से वितरित होगा, ठीक है,
समस्त द्रव्यमान एवं धनावेशित कण जो हैं वो क्या होंगे भाई, पूरी समान रूप से इसमें फैले हुए होंगे, ठीक है, ऐसी बात उन्होंने कहा। ओके, ये देखिए ऐसा उन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि समस्त ये जो गोलाकार आकृति है वो पूरा द्रव्यमान उसमें फैला हुआ है, और जो इलेक्ट्रॉन है भाई साहब वह इसमें, ठीक है, तरबूज के बीज की तरह धंसे रहते हैं, ऐसा उन्होंने कहा, ठीक है, ऐसा उन्होंने क्या कहा, कहा, ठीक है, ऐसी बात उन्होंने कही कि उसके समस्त द्रव्यमान में क्या रहते हैं, इस तरह से इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं, ठीक है। ये क्या है भाई साहब, ये क्या है, ये क्या है भाई साहब, परमाणु, ये क्या है भाई साहब, परमाणु है। ओके, ये क्या है भाई साहब, इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है आपके, ये इलेक्ट्रॉन्स है, है ना, ये आपके इलेक्ट्रॉन है। ओके, और ये जो चित्र है आपका वो क्या है, ये चित्र आपका, ठीक है, टॉमसन का, टॉमसन का परमाणु मॉडल, कौन सा मॉडल है भाई साहब, ये परमाणु मॉडल है, ठीक है, ये देख लीजिए, पूरा द्रव्यमान इस गोले में फैला हुआ है, धनावेशित कण भी है इसमें, और उसी संख्या में इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से बीज के रूप में धसे हुए हैं, समझ गए, यह था मॉडल। अब आज ये यहां पर आते हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। तीसरी बात उन्होंने क्या कही कि जिस प्रकार तरबूज में बीज धसे होते हैं भाई साहब, उसी प्रकार परमाणु के समस्त द्रव्यमान में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं, समस्त गोले में धसे रहते हैं, ठीक है। चौथी बात बोलती है उसमें कि परमाणु के समस्त गोले में जितनी संख्या में, ठीक है, धनावेशित कण होते हैं उसी संख्या में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जिससे परमाणु क्या रह सके, उदासीन हो सके, परमाणु हमारा उदासीन रहना चाहिए, समझ गए, क्या ये बात समझने को दिक्कत। एक बच्चों हम लोग एक पॉइंट यहां और लगा देते हैं, यस, ठीक है, परमाणु के इस मॉडल को, परमाणु के इस मॉडल को, ठीक है, परमाणु के इस मॉडल को, ठीक है, प्लम पुडिंग, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है, प्लम पुलिंग है ना, प्लम पुडिंग, ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है, ओके, कहा जाता है, नो प्रॉब्लम। तो ये है बच्चों आपके पूरे टॉमसन के परमाणु मॉडल की चर्चाएं, ठीक है, चलिए ले लीजिए इसका फटाफट स्क्रीनशॉट, ये ले लीजिए भाई साहब, ताकि आप इसको अपने नोट्स में क्या कर सके, डाल सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया टॉमसन के परमाणु प्रति रूप का, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग हैं सेकेंड वीडियो में, हम लोग हैं नी वैल्यूएट केयर के चैनल पर, ओके, और आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स, और फिजिक्स पढ़ाने वाले आपको है कौन, कौन भैया, मिस्टर इंजीनियर उज्ज्वल शर, क्या बात, कितना खतरनाक नाम है, चौंक गए होंगे आप लोग इस खतरनाक नाम को जानकर, बिल्कुल नहीं, ये नाम तो कई दिनों से चर्चों में है, न्यूज़पेपर में, ठीक है, न्यूज चैनल पर है, ये नाम तो कई दिनों से भाई साहब चर्चे में है, ओहो ओहो हो भाई साहब इतने प्रसिद्ध और सुप्रसिद्ध हो गए हैं गुरुजी आप, नहीं भाई अभी होना बाकी है, आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद से, ओहो। चलिए अब आते हैं बच्चों नए टॉपिक में, जिसका नाम है 9.2, ठीक है, ओहो हो 9 पॉइंट नहीं भाई साहब 12.2, ठीक है 12.2,
12वें चैप्टर में चल रहे हैं बच्चों हम लोग, है ना। बोलिए कोई दिक्कत, 12वें चैप्टर में चल रहे हैं हम लोग, नहीं ना। चलिए इसमें हम लोग दूसरे टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जो कि क्या है बच्चों, क्या है, अल्फा अल्फा कण प्रकीर्णन, अल्फा कण प्रकीर्णन ओके, तथा रदरफोर्ड, तथा परमाणु का रदरफोर्ड नाभिकीय संरचना, ठीक है। इस टॉपिक में पहुंचे बच्चों लोग, दिस इज आर हेडलाइन सेकेंड टॉपिक का, अल्फा कण प्रकीर्णन ये पढ़ेंगे क्या होता है, और उसके बाद पढ़ेंगे परमाणु का कौन सा मॉडल आ रहा है भाई साहब, रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल, नाभिकीय संरचना, ठीक है। परमाणु का समझ गए बात, परमाणु का ये बात हम लोग अभी कुछ देर तक चर्चा करने वाले हैं। चलिए देखते हैं चर्चा में क्या शामिल कर रहे हैं। देखिए बच्चों, सन 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड के सुझाव पर, ठीक है, एच गाइगर एवं ई मार्सडन, ठीक है, ई मार्सडन ओके, ये दो वैज्ञानिक थे बच्चों, ठीक है, ने ओके एक प्रयोग किया, ठीक है, एक प्रयोग किए। इस प्रयोग में उन्होंने क्या किया वो देखिए, इन्होंने बच्चों क्या किया, रेडियो एक्टिव ठीक है, रेडियो एक्टिव तत्व से अल्फा कणों के, है ना, अल्फा कणों के प्रकीर्णन, है ना, रेडियो एक्टिव तत्व से अल्फा कणों के प्रकीर्णन द्वारा, ठीक है, अल्फा कणों के प्रकीर्णन नहीं कह ले हम लोग, ये कह लेंगे कि अल्फा कणों को, ठीक है, स्वर्ण पत्र के या फिर स्वर्ण पत्र या फिर स्वर्ण झिल्ली पर रेडियोएक्टिव तत्व से अल्फा कणों को स्वर्ण पत्र पर बौछार कर अल्फा कण प्रकीर्णन द्वारा परमाणु के मॉडल का नया प्रतिरूप, ठीक है, प्रतिरूप सुझाया ठीक है, नया प्रतिरूप की बात किया गया, ठीक है बच्चों, रेडियोएक्टिव तत्व से अल्फा कणों को स्वर्ण पत्र पर, ठीक है, स्वर्ण झिल्ली पर, है ना, बौछार कर अल्फा कण प्रकीर्णन द्वारा, ठीक है, या फिर अल्फा कण के प्रभाव द्वारा परमाणु के मॉडल का नया प्रतिरूप सुझाया। आप यह लिख सकते हैं, अल्फा कण
के प्रभाव द्वारा, ठीक है ये लिख लीजिए, प्रभाव द्वारा परमाणु के मॉडल का नया प्रतिरूप उन्होंने सुझाया। ठीक है चलिए देखिए, अब देखिए इसके क्या है, इससे क्या होने वाला है। तो बच्चों और ये जो नया प्रतिरूप सुझाया वो किसने सुझाया, रदरफोर्ड ने, क्योंकि रदरफोर्ड ने ऐसा सुझाव दिया तो एच गाइगर और ई मार्सडन ने क्या किया बच्चों, उन्होंने कुछ प्रयोग किए और उस प्रयोग से कुछ प्रभाव का अध्ययन किया उसने। ठीक है अब उस अध्ययन के द्वारा जो निष्कर्ष निकला था उसके पश्चात हमारे रदरफोर्ड ने कुछ निष्कर्ष निकाले। ठीक है चलिए तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग बच्चों क्या ना, क्या देख सकते हैं हम लोग, एच गाइगर है ना, एच गाइगर एवं ई मार्सडन के प्रयोग या फिर के प्रायोगिक है ना, मार्सडन के प्रायोगिक व्यवस्था, ठीक है इस प्रकार किया गया, इस प्रकार बच्चों किया गया, उन्होंने क्या किया वो देखिए। ठीक है उन्होंने क्या किया वो देखिए, ये हमारी इस बीच की हेडलाइन हो गई है ना, उन्होंने प्रायोगिक व्यवस्था इस प्रकार किया, कुछ निम्न बातें की उन्होंने, निम्न है ना चीजें की उन्होंने, और निम्न चीज में क्या क्या की वो देखिए, उन्होंने बच्चों क्या किया, ठीक है रेडियो एक्टिव ठीक है तत्व बिस्मिथ, ठीक है बच्चों 83-214 जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 83 और द्रव्यमान कितना होता है 214। ठीक है रेडियो एक्टिव तत्व 82-83-214 से अल्फा कणों के किरण पुंज को, ठीक है 2.1×10⁻¹⁷ मीटर की, ठीक है पतली परत की पतली स्वर्ण ठीक है झिल्ली पर, ठीक है बौछार किया। ओके क्या क्या बच्चों बौछार किया। ओके भाई साहब रेडियो एक्टिव तत्व बिस्मिथ से अल्फा कणों की किरण पुंज को इतने मीटर की पतली स्वर्ण झिल्ली पर क्या कर दिया उसने, बौछार कर दिया। ठीक है बौछार किया, पहली काम उन्होंने ये किया। ठीक है हाँ बच्चों यहां लिख सकते हैं कि अल्फा कणों की किरण पुंज ठीक है 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है अल्फा कणों की किरण पुंज 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा वाले पुंज थे, ठीक है या फिर अल्फा कणों की किरण पुंज जो है वो 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा ठीक है ऊर्जा वाले ऊर्जा वाले पुंज थे। ठीक है हाँ ठीक है अल्फा कणों की किरण पुंज 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा वाले पुंज थे। ठीक है अब देखिए दूसरी पॉइंट क्या था भाई साहब, पहली पॉइंट तो ये थी भाई साहब कि रेडियो एक्टिव तत्व बिस्मिथ अल्फा कणों के किरण पुंज को इतने मीटर की पतली झिल्ली पर क्या कर दिया बौछार किया। ठीक है रेडियो एक्टिव तत्व खुद ब खुद, ठीक है ना खुद ब खुद विखंडित होने वाले ये क्या थे तत्व थे, उससे क्या निकला बच्चों अल्फा किरण पुंज, अल्फा की किरण पुंज निकली अल्फा की किरणों की, समझ गए यस।
दूसरे देखिए, इन अल्फा कणों के किरण पुंज को ठीक है, और इन अल्फा कणों के किरण पुंज को लेड ईटो, लेड ईटो ठीक है, के लेड ईटो के मध्य से गुजार कर संरेखित किया गया ठीक है। यस, दूसरी बात ये थी। तीसरी बात क्या थी, जब है ना, जब यह अल्फा कणों के किरण पुंज ठीक है, स्वर्ण के पतली झिल्ली से ठीक है टकराए तब यह विक्षेपित होकर है ना, अलग अलग दिशाओं में ठीक है विभाजित हो गए ठीक है। यहां ये आए तो एक साथ, लेकिन टकराने के बाद क्या हो गए, विक्षेपित हो गए। ओके चलिए बच्चों, अल्फा कणों के किरण पुंज पुरन किरण पुंज की स्वर्ण झिल्ली से विक्षेपण ठीक है, विक्षेपण को है ना, या फिर विक्षेपित घटना को, विक्षेपण के घटना को है ना, विक्षेपण के घटना को प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब, प्रकीर्णन कहते हैं ठीक है। यही घटना बच्चों क्या कहलाती है, प्रकीर्णन कहलाती है। समझ गए, कौन सी घटना, अल्फा कणों के किरण पुंज है ना बच्चों, अल्फा कणों के किरण पुंज की स्वर्ण झिल्ली से ठीक है टकराने के पश्चात ठीक है यस, पश्चात विक्षेपण के, टकराने के पश्चात विक्षेपण के घटना को प्रकीर्णन ठीक है, प्रकीर्णन कहते हैं ठीक है यस, प्रकीर्णन कहते हैं इसे। समझ गए, ये तीन बातें थी बच्चों। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव तत्व से अल्फा ठीक है कणों के किरण पुंज लिए उसने ठीक है, और वो 2.1 × 10⁻⁷ मीटर की पतली झिल्ली पर ठीक है, इतनी पतली स्वर्ण झिल्ली पर क्या किया, बौछार किया उन्होंने ठीक है, बौछार बारिश कर दी उन्होंने इन अल्फा कणों के किरण पुंज को लेड ईटों के मध्य से गुजारा गया ठीक है, गुजार कर इसे क्या किया, पहले संरेखित किया गया ठीक है। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, जब यह अल्फा कणों के किरण पुंज स्वर्ण के पतली झिल्ली से टकराए तब यह विक्षेपित होकर ठीक है अलग अलग दिशाओं में क्या हो गए, विभाजित हो गए ठीक है, ये हुआ।
समझ गए बात आप? आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बताइए यहां तक सारी घटना समझ में आ रही है आपको? चलिए फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम अब नेक्स्ट स्लाइड में जाएं। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? मिटाऊं मैं इसे? चलिए मिटाया जाए बच्चों, चलिए मिटाते हैं। बच्चों मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है, वरना मैं भी बहुत ही आसानी से क्या कर सकता हूं भाई साहब, आसानी से आऊंगा डेरिवेशन कराऊंगा ठीक है और निकल जाऊंगा। डेरिवेशन समझाना बहुत आसान काम है बच्चों, फटाफट हो जाएगा, आपकी वीडियोज फटाफट समाप्त हो जाएगी। लेकिन हमें आपको बताना पड़ता है, आपकी नोट्स यहां से तैयार करवाता हूं ठीक है, आपको किसी भी वीडियोज की किसी भी ठीक है टीचर्स की हेल्प की जरूरत नहीं है, किसी भी बुक्स नए नए बुक्स को नए नए नोट्स को खोजने की जरूरत नहीं है। जो मैं इस वीडियोज में आपको बता रहा हूं, जो मेरे वीडियोज में आपको मिल रहा है, इसको पढ़ करके बच्चों बोर्ड्स में आप 100 out of 100 फोड़ सकते हैं ठीक है। चलिए हमारे कई बच्चों ने करके दिखाया है, भाई साहब आप भी करके दिखा सकते हैं। अब तक मैंने कई बच्चों को है ना 90s दिलाया है, आउट ऑफ 100 100 out of 100 तो अब तक नहीं दिला पाया, उम्मीद है आपसे आ जाएगी। चलिए आगे आइए, चलिए बच्चों आगे आइए। देखिए अब बच्चों इसी व्यवस्था को हम लोग दिखा सकते हैं। देखिए दिखा रहे हैं हम लोग बच्चों, ये क्या है अल्फा कण स्रोत ठीक है बच्चों, ये है हमारी ठीक है लेड की ईंट, ये क्या हमारी लेड की ईंट ठीक है। ये लेड की ईंट है ओके, इनसे क्या होगा संरेखित अल्फा कणों की किरण पुंज ठीक है, किरण पुंज ओके। बच्चों यहां है हमारे पास पतली सी झिल्ली, पतली सी क्या है झिल्ली है ओके। और बच्चों क्या करें हम लोग, क्या करें हम लोग, ये देखिए है ना, ये बच्चों क्या है निर्वात है, ये क्या है निर्वात ओके, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है लेड की ईंट है ये ठीक है। हाँ बच्चों ये लेड की ईंटें हैं, हाँ लेड की है, धातु की है, जिससे ये अल्फा कण भाई साहब क्या हो हमारे बिखरे नहीं और ना ही इस धातु को प्रतिच्छेद कर पाए, इसीलिए ये लेड की ईंटें ली गई है। समझ गए नो प्रॉब्लम। ये लेड की क्या ली गई है ईंटें ली गई है ना, यस धातु की ईंट ली गई है बच्चों संरेखित करने के लिए अल्फा कण को ठीक है। इससे टकराने के बाद क्या हुआ बच्चों, एक जो हमारे पास वो क्या था, इस तरह से एक पर्दा थी ठीक है बच्चों, बहुत सारे जो है हमारे अल्फा किरण वो इधर निकल गए है ना, लघु कोण से ठीक है, लघु कोण से विक्षेपित अल्फा किरण पुंज ठीक है बच्चों, कुछ क्या हुए गए इससे टकराए और कुछ टकराने के पश्चात इधर भी आ गए ठीक है, इधर भी आ गए ओके। कुछ बच्चों यहां से टकराने के बाद कुछ इधर भी आ गए ठीक है, और यहां क्या था बच्चों लगा हुआ था एक लगा हुआ था है ना जिंक सल्फाइड ZnS का पर्दा लगा हुआ था, क्या लगा हुआ था पर्दा ठीक है, और इसके जस्ट नीचे बच्चों क्या लगी हुई थी एक सूक्ष्मदर्शी लगी हुई थी, क्या लगी हुई थी भाई साहब
एक सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, एक सूक्ष्मदर्शी लगेगी, ठीक है। ये संसूचक लगा हुआ था, ये संसूचक है, ठीक है। ये कौन सा संसूचक है भाई साहब? घूर्णी संसूचक है, ठीक है, घूम सकता है। ये क्या था? सूक्ष्मदर्शी था, ठीक है भाई साहब, ये सूक्ष्मदर्शी था। ओके, ये देखिए, कोई दिक्कत? प्राय व्यवस्था आप तैयार है आपका बच्चों। यहां से इस चित्र का नाम क्या कह सकते हैं? ये चित्र नंबर कौन सा है? फर्स्ट है इस टॉपिक के लिए। और ये क्या है? ठीक है, गाइगर, गाइगर एवं मार्सडन, गाइगर एवं मार्सडन, गाइगर एवं मार्सडन की प्रायोगिक व्यवस्था, प्रायोगिक व्यवस्था, ठीक है, यस, गाइगर एवं मार्सडन की प्रायोगिक व्यवस्था, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा छोटा बना सकते हैं इसको ना, ये लीजिए, ठीक है। तो आप ये प्रायोगिक व्यवस्था देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, बताइए, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, प्रायोगिक व्यवस्था हमारा तैयार है, मस्त लग रहा है देखने में एकदम, है ना। ये बच्चों, ये क्या है हमारे पास? जिंक सल्फाइड का, ये हमारे पास जिंक सल्फाइड का पर्दा है, ये पर्दा है। किस काम आएंगे ये पर्दे? वो हम लोग करेंगे। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इस फिगर को यहां से मिटा दूं, ठीक है, मिटा दिया जाए ताकि मैं इसके आगे और भी पॉइंट्स लिख सकूं। मिटा दिया जाए, बताइए, मिटा दिया जाए सर? चलिए बच्चों, मिटा दिया जाए। आइए और देखते हैं क्या लिखा जा सकता है। देखिए बच्चों, इसमें हम लोग, है ना, कितने पॉइंट्स लिख लिए थे हम लोग इससे पहले? तीन या चार पॉइंट्स लिख लिए थे, ठीक है, ए बी सी डी प्रायिक व्यवस्था में, ठीक है। इसके बाद, है ना, डी के बाद आप ई लिख लीजिएगा, अगर आप डी तक पहुंचे तो डी लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ए बी सी ही लिखे थे साइज से, तीन बिंदु लिखे थे हम लोग, चलिए डी लिख लेते हैं, ठीक है। डी नंबर में क्या था बच्चों? वो देखिए, वो देखिए, प्रकिरणित, प्रकिरणित, ठीक है, अल्फा कणों के किरण पुंज को, ठीक है, को प्रक्षेपित या फिर पुंज को, है ना, ज्ञात करने के लिए या फिर संसूचित करने के लिए, ठीक है, संसूचित करने के लिए स्वर्ण, ठीक है, झिल्ली के आगे एक घूर्णी संसूचक लगाई जाती है जिससे जिंक सल्फाइड, है ना, जिंक सल्फाइड की पर्दा एवं सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, जुड़े होते हैं। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ई पर आ जाइए, वो देखिए, जब प्रकिरणित
ठीक है, जब प्रकिरणित अल्फा किरण पुंज है ना पर्दा से टकराते हैं तब फ्लैश या प्रस्फुर ठीक है बच्चों, प्रस्फुर को इंग्लिश में बोलते हैं सेंटिलेशन ठीक है। यस बच्चों, तो फ्लैश या प्रस्फुर उत्पन्न करते हैं बच्चों। पहला में क्या है, प्रकिरणित अल्फा किरण के पुंज के जस्ट आगे हमने क्या लगाया था, हमने लगाया था संसूचित करने के लिए, मतलब अल्फा कणों के किरण पुंज प्रकिरणित होके मतलब विक्षेपित होके भाई पर्दा से टकराए तो कुछ सीधे निकल जाएंगे, कुछ कोण पे हो जाएंगे विक्षेपित, कुछ वापस आ जाएंगे, तो ऐसे प्रकिरणित कण ठीक है अल्फा किरण पुंज उनको पता लगाने के लिए हमने क्या लगा रखा था, एक पर्दा जिंक सल्फाइड का पर्दा और जिंक सल्फाइड से बना हुआ, जिंक सल्फाइड के धातु से बना हुआ हमने एक पर्दा लगाया था और उन पर्दे के जस्ट आगे हमने क्या लगा रखा था, सूक्ष्मदर्शी लगा रखा था ठीक है। जब प्रकिरणित अल्फा के अनुपुंज पर्दा से टकराते हैं प्रकिरणित वाले तो फ्लैश उत्पन्न करते हैं, वहां पे एक धुआं है ना, एक रोशनी नजर आती है और उस रोशनी को बच्चों क्या करते हैं टकराते हैं तब फ्लैश से प्रस्फुर उत्पन्न करते हैं जिसे सूक्ष्मदर्शी से ठीक है देखे जाते हैं ठीक है। नो प्रॉब्लम बच्चों, प्रकिरणित अल्फा कणों की किरण पुंज की संख्या ठीक है, वह प्रकिरणित अल्फा कणों की किरण पुंज की संख्या ठीक है, अल्फा कण की किरण पुंज होती है ना, तो प्रकिरणित अल्फा कणों की किरण पुंज की संख्या है ना, संख्या प्रकिरणित कोण के फलन के रूप में अध्ययन किए जाते हैं, फलन के रूप में अध्ययन किए जाते हैं ठीक है। मतलब कहे तो बच्चों, प्रकिरणित अल्फा कणों की संख्या भाई साहब नंबर ऑफ द अल्फा कणों की किरण पुंज, अल्फा कणों की प्रकिरणित ठीक है, प्रकिरणित किरण पुंज की जो संख्या है वो फलन होता है, क्या होता है, फलन होता है, फंक्शन होता है किसका, थीटा का ठीक है। इसकी जो नंबर ऑफ प्रकिरणित किरण पुंज है वो भाई साहब फलन होता है किसका, थीटा का, प्रकिरणित कोण के फलन होते हैं ठीक है। मतलब थीटा पर निर्भर करता है अल्फा कणों की प्रकिरणित किरण पुंज, नहीं समझ में आई ये बात भाई साहब, प्रकिरणित अल्फा कणों की जो किरण पुंज है वो आपके थीटा पर निर्भर करता है, मतलब थीटा के मान से आपको पता लगेगा कि भाई साहब अल्फा कणों की प्रकिरणित किरण पुंज कितनी संख्या में हो सकती है, समझ गए ये बात। हाँ भाई साहब, ये एक दो बातें जो है, जो दो लाइनें हैं वो मैं भाई साहब दोबारा आपको समझाऊंगा जब हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे ठीक है। तब देखिए, प्रकिरणित अल्फा कणों के जो किरण पुंज है उसको, क्योंकि ये थ्योरियां हैं यार, जो पढ़ो वैसे वैसे समझते जाओ, बस कुछ नहीं है इसमें, को ज्ञात करने के लिए भाई प्रकिरणित अल्फा किरणों की किरण पुंज को ज्ञात करने के लिए, अल्फा किरण पुंज किधर किधर जो है ना प्रकिरणित हुए हैं उसको ज्ञात करने के लिए, भाई ज्ञात करने के लिए या संसूचित करने के लिए, पता लगाने के लिए हमने क्या किया भाई साहब, स्वर्ण झिल्ली के आगे एक
घूर्णी संसूचक। अब ये घूर्णी संसूचक में क्या लगाई गई थी भाई साहब? घूर्णी संसूचक के साथ कौन लगा हुआ था? जिससे जिंक सल्फाइड का पर्दा होता है, आया नहीं है, और उसके साथ सूक्ष्म दर्शी जुड़ा हुआ होता है। समझ गए बात? यस। और उसके बाद क्या है कि जब प्रकीर्णित अल्फा किरण पुंज पर्दा से टकराते हैं ना, तब ये क्या उत्पन्न करते हैं? रोशनी उत्पन्न करते हैं, ठीक है। परस्फुर का मतलब रोशनी है ना, एक वहां पर है ना, टकराने से प्रकाश उत्पन्न होती है, सिंटिलेशन कहते हैं उसे, ठीक है, उत्पन्न करते हैं। और जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग सूक्ष्मदर्शी से क्या लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है, कि भाई साहब जितनी मतलब जितनी अधिक प्रकीर्णित अल्फा किरण पुंज होगा उतना अधिक वहां पर फ्लैश उत्पन्न होगा, और जितना अधिक फ्लैश उत्पन्न होगा सूक्ष्मदर्शी से देख लेंगे और समझ जाएंगे हम लोग कि उधर उतनी अधिक संख्या में प्रकीर्णित अल्फा किरण पुंज आया है, आया नहीं है? यस। अब देखिए प्रकीर्णित जो अल्फा कणों की जो किरण पुंज की जो संख्या है कि किस दिशा में कितनी अधिक संख्या गई है प्रकीर्णित किरण पुंज, वो फलन होते हैं किसके? प्रकीर्णित कोण के, उसके फलन रूप होते हैं, ठीक है। हाँ, अब ये भाई साहब प्रकीर्णित कोण क्या होते हैं, चलिए मैं प्रकीर्णित कोण भी समझा दूं भाई साहब। प्रकीर्णित कोण क्या है? देखिए स्वर्ण, स्वर्ण स्वर्ण पत्र या झिल्ली, स्वर्ण पत्र या झिल्ली के, स्वर्ण पत्र की झिल्ली पर प्रारंभिक प्रारंभिक वेग, भाई स्वर्ण पत्र या झिल्ली पर प्रारंभिक पर, ठीक है, आपतित आपतित अल्फा कणों के किरण पुंज, या फिर हाँ अल्फा कणों के किरण पुंज की प्रारंभिक प्रारंभिक है ना प्रारंभिक वेग की दिशा से प्रकीर्णित प्रकीर्णित अल्फा कण की किरण पुंज द्वारा पुंज द्वारा बना कोण, ठीक है, प्रकीर्णित कोण कहलाता है। क्या कहलाता है भाई साहब? प्रकीर्णित, ठीक है, प्रकीर्णित कोण कहलाता है, ठीक है, प्रकीर्णित कोण कहलाता है। समझ गए बात? ओके, लीजिए आगे बढ़ा जाए तो भाई साहब जो प्रकीर्णित कोण है वो क्या होते हैं कि स्वर्ण पत्र या झिल्ली पर जो आपतित अल्फा कणों की जो भाई साहब किरण पुंज है उसकी जो प्रारंभिक वेग की जो दिशा है उससे प्रकीर्णित अल्फा कण की किरण पुंज जो है द्वारा जो बना कोण है वही क्या कहलाएगा? प्रकीर्णित कोण कहलाएगा। समझ गए बात? समझाता हूं फिगर उगर से, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, इसको नोट्स में डाल दीजिए। क्या मैं मिटा दूं इसे? भाई साहब इसे आप नोट्स में डाल दीजिए, फिर आप को समझाता हूं कि और आगे क्या होगी। मिटा दिया जाए? ओके, चलिए मिटा देते हैं। थोड़ी सी लंबी क्लास हो रही है, बर्दाश्त कीजिएगा भाई साहब, भाग मत जाइएगा, थोड़ी सी क्लास लंबी हो रही है, क्या कीजिएगा, टॉपिक भी बहुत लंबा है, ठीक है, थियोरेटिकल टॉपिक है, समझाना लिखना बहुत मेहनत है भाई साहब, ठीक है, बहुत मेहनत है, थोड़ी सी मेहनत है, धैर्य रखिए, सब काम हो जाएगा, सब काम बन जाएगा। देखिए बच्चों, सब काम बन जाएगा, चिंता मत कीजिए। देखिए आइए हमारे साथ आइए, चलिए देखिए बच्चों, जो हमारे पास ठीक है लेड की ईंटें थी यहां पर, है ना,
इनसे हमारी अल्फा किरणें गई थी, है ना। यहाँ पर स्वर्ण पत्र की झिल्ली है ना, उससे कुछ टकरा करके इधर आ गई थी, है ना। यस, और कुछ प्रकीर्णित होके इस दिशा में गई, कुछ प्रकीर्णित होके इस दिशा में गई, कुछ सीधे निकल गई, ठीक है। और यहां पर हमने पर्दा लगा रखा है, ठीक है, जिंक सल्फाइड का, ठीक है, और उससे हमने सूक्ष्मदर्शी लगा रखा है, समझ गए। यस, तो भाई साहब ये देखिए प्रारंभिक अल्फा किरण की दिशा कौन सी है, ये वाली है भाई। प्रारंभिक अल्फा किरण के किरण पुंज की दिशा कौन सी है, ये वाली। और प्रकीर्णित कौन सा है, जो इससे टकराने के बाद जो सीधे निकल गए या फिर जो मुड़ गए। तो प्रारंभिक की दिशा ये है, और इसके पश्चात, इससे टकराने के पश्चात जो मुड़ने वाले हैं ना, जो मुड़ने वाले थोड़े बहुत कोण पर मुड़ने वाले जो ये किरण पुंज है, यही कहलाते हैं प्रकीर्णित। क्या कहलाते हैं भाई साहब, प्रकीर्णित कहलाते हैं, समझ गए। ये प्रकीर्णित क्या है, अल्फा कणों की किरण पुंज है। तो प्रारंभिक जो दिशा है और जो प्रकीर्णित किरण पुंज है, उनके बीच में ही बनने वाला जो कोण है ना, वही क्या कहलाता है, यही है हमारा प्रकीर्णित कोण, समझ गए बात। हाँ, यही हमारा प्रकीर्णित कोण। तो आप जो है वह अपने थ्योरी में अपने तरीके से दिखा सकते हैं, यही आपका प्रकीर्णित कोण है, समझ गए। अब मान लीजिए कोई प्रारंभिक वेग ये है और ये पीछे इस दिशा में आ गए, तो इसका कोण कैसे माप देंगे भाई साहब। प्रारंभिक वेग की दिशा ये है और इससे ये इतने कोण पे वापस, तो ये थीटा इधर से मापेंगे, पॉजिटिव वे से मापेंगे, समझ गए बात। तो ये प्रकीर्णित कोण है, इधर से मत मान दीजिएगा भाई साहब, ये गलत है, ये गलत, ये तरीका गलत है, ठीक है। हाँ, ये दिशा इससे इतने कोण पर ये विक्षेपित हो गया, ये है थीटा, ये है प्रकीर्णित कोण, समझ गए। चलिए, ये बात तो आपको समझ में आ गई, प्रकीर्णित कोण तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, दिखा लीजिएगा। चलिए, ये तो मैं फटाफट आपको समझाने के लिए दिखाया था, ठीक है, ओके। अब बच्चों क्या हुआ, क्या हुआ कि इससे कुछ निष्कर्ष निकले, ये सारे प्रयोग तो कर लिया, इस प्रयोग से निष्कर्ष निकला, ठीक है। यस, देखिए क्या हुआ। हाँ, गाइगर, गाइगर एवं मार्सडन, मार्सडन के प्रयोग से रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड ने निम्न निष्कर्ष, निम्न निष्कर्ष, ठीक है, निम्न निष्कर्ष, निम्न निष्कर्ष, ठीक है, व्यक्त किए, निम्न निष्कर्ष व्यक्त किए और निकाले, ठीक है, बताए उन्होंने। क्या क्या बताया वो देखिए, पहला क्या बताया बच्चों, जब उन्होंने बौछार किया और पतली झिल्ली पर गिरने के पश्चात कुछ मुड़ गए, कुछ कुछ निकल गए, है ना, तो उससे क्या निकला कि अधिकतर, अधिकतर, ठीक है, अधिकतर जो अधिकतर थे, है ना, अधिकतर अल्फा कणों की किरण पुंज, किरण पुंज, ठीक है, बिना विक्षेपित हुए, बिना विक्षेपित हुए, ठीक है, बिना विक्षेपित हुए, ठीक है, सीधे निकल गए, सीधे, ठीक है, निकल गए, सीधे निकल गए, ठीक है। हाँ, बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए, इसका अर्थ क्या हुआ, अर्थात, अर्थात, ठीक है, अर्थात परमाणु, अर्थात परमाणु का अधिकांश भाग, परमाणु का अधिकांश भाग, ठीक है, अधिकांश भाग खोखला होता है, इससे यह निष्कर्ष निकाला गया, ठीक है। दूसरी बात क्या थी भाई साहब, दूसरी बात क्या थी वो देखिए, वो देखिए, है ना, कुछ कुछ किरण पुंज, कुछ किरण पुंज, ठीक है, कुछ किरण पुंज, कौन से, कितने किरण पुंज बच्चों, कुछ
किरण पुंज। अब बच्चों कुछ किरण पुंज, ठीक है, कुछ किरण पुंज छोटे कोण से विचलित होते हैं, ठीक है, या फिर कुछ किरण पुंज छोटे कोण से विक्षेपित होते हैं, विक्षेपित होते हैं, कुछ ही कण विक्षेपित होते हैं, ठीक है, और छोटे कोण से विक्षेपित होते हैं, एक डिग्री, दो डिग्री, चार डिग्री से, ठीक है। तीसरी बात क्या थी वो देखिए, ठीक है, अल्फा कणों के किरण पुंज, है ना, अल्फा कणों के किरण पुंज की काफी अधिक संख्या में से कुछ कण, कितने कण भाई साहब, कुछ कण 90 डिग्री या 180 डिग्री से प्रकीर्णित होते हैं, प्रकीर्णित होते हैं, ठीक है। इसका निष्कर्ष क्या निकाला गया, अर्थात अर्थात परमाणु का समस्त धनावेश, समस्त धनावेश उसके केंद्र पर छोटे से भाग, ठीक है, छोटे से भाग में केंद्रित होना चाहिए केंद्रित होना चाहिए, छोटे से भाग में क्या होना चाहिए, केंद्रित होना चाहिए। क्या है ये बात, समझाता हूं भाई साहब, समझाता हूं, चिंता मत कीजिए, समझिए, समझाता हूं, है ना, केंद्रित होना चाहिए, ठीक है, केंद्रित होना चाहिए, जिसे नाभिक कहा गया, जिसे क्या कहा गया, नाभिक कहा गया, ओके, और यह नाभिक परमाणु के आकार में बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ घटना थी, पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं समझाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लिए क्या, बोल गए, चलिए मिटाया जाए, इसे मिटा दिया जाए, बोल गए, मिटा दूं, मिटा देता हूं, चलिए समझाता हूं भाई साहब, चिंता ना करें, चिंता करने से उम्र घट जाती है, समझाता हूं, बस वो थ्योरी को लिखते लिखते समझ जाएंगे हम, समझाने वाले कुछ बात ज्यादा है नहीं इसमें। देखिए बच्चों, ये हो गया आपका परमाणु, बीच में हो गया आपका नाभिक, ठीक है। देखिए बच्चों, जो आपका अल्फा कणों का किरण पुंज है वो इधर सीधे निकल गया, ये वाला सीधे निकल गया, ये वाला सीधे निकल गया, ये वाला सीधा निकल गया, ये वाला सीधा निकल गया, ये वाला सीधा निकल गया, ठीक है। बच्चों जो ये वाला था वो थोड़े कोण से विक्षेपित हो गए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बच्चों जो ये वाला था वो भाई साहब और भी कोण से क्या हो गए, विक्षेपित हो गए, ठीक है। ये क्या है भाई साहब, अल्फा कण है, ठीक है, ये क्या है, ये है अल्फा किरण, अल्फा कण की किरण, है ना, अल्फा कण की क्या है, ये किरण है भाई साहब, अल्फा कण की ये क्या है, किरण है ना, इस तरह से ऊपर हुआ, जो थोड़े से नजदीक थे नाभिक के वो प्रकीर्णित हो गए इस दिशा में, जो भाई साहब थोड़े से और नजदीक थे वो भाई साहब और भी विक्षेपित हो गए इधर, ठीक है। कुछ तो भाई साहब 90 डिग्री पे विक्षेपित हुए
और कुछ कुछ वो क्या हुए, कुछ तो भाई साहब सीधे वापस आए, इधर से गए और इसी पर वापस आए, इसी पर गए और इसी पर वापस आए, ठीक है। यस, ये देखिए ये चित्र क्या है भाई साहब, ये आपका अल्फा प्रकीर्णन, ये क्या है अल्फा प्रकीर्णन, ठीक है। देख लीजिए भाई साहब उन्होंने क्या कहा, रदरफोर्ड ने क्या कहा, इसका अर्थ है क्या, इसका अर्थ क्या है कि इसका अर्थ है कि इसका अर्थ है कि देखिए भाई साहब बहुत सारे हमारे अल्फा कण थे तो देखो सीधे निकल रहे हैं सीधे, ठीक है। अब अल्फा कण कैसे होते हैं, धनावेशित कण होते हैं भाई साहब, कैसे कण है ये धनावेशित, ओके। और हमारे नाभिक में ये क्या है हमारे पास भाई साहब, इसको हम लोग नाभिक कहते हैं ना, ये देख लीजिए ये नाभिक है, तो नाभिक और नाभिक कैसे होते हैं भाई साहब, धनावेशित, धनावेशित होते हैं। और बच्चों ये क्या हमारे पास परमाणु, नो प्रॉब्लम। बच्चों जो अल्फा कण है वो कैसे होते हैं, धनावेशित, ठीक है। कैसे होते हैं ये धनावेशित, अल्फा कण कैसे होते हैं धनावेशित, अल्फा के कण कैसे होते हैं भाई साहब धनावेशित, ठीक है। ये धनावेशित कण है भाई साहब, धनावेशित कण, ठीक है। तो ये धनावेशित कण, नाभिक हमारा धनावेशित, धनावेशित और धनावेश के बीच में क्या होगा बोलो, क्या होगा भाई साहब, धनावेश और धनावेश के बीच में अल्फा कण धनावेशित है और नाभिक धनावेशित है, बोलो इनके बीच में क्या होगा, ये जो किरण है वो उनके बीच में क्या हुआ है, प्रतिकर्षण भाई साहब, कुलाम प्रतिकर्षण, कुलाम प्रतिकर्षण बल लगता है। ये भी आवेशित कण है, नाभिक भी धनावेशित होते हैं, दोनों धनावेशित, इसके आपस में क्या होंगे, प्रतिकर्षण होगा, कुलाम प्रतिकर्षण बल लगेगा, बोलिए हाँ या ना। तो अगर अल्फा के किरण अगर दूर हैं तो वो तो सीधे निकल जाएंगे, किसी से कोई विक्षेपण नहीं हुआ, ठीक है। बच्चों जो जैसे से नाभिक के पास आ गए वो वैसे विक्षेपित हो गए, जो नाभिक के पास है वो विक्षेपित, मतलब ये धनावेशित और नाभिक भी धनावेशित, तो धनावेश क्या करेगा, उसे बगल से नहीं जाने देगा, जैसे ही बगल आना चाह भाई साहब इसको इधर पलट दिया, जैसे ही इसके पास से गुजरना चाह भाई साहब प्रतिकर्षण लगा ये इधर चला गया, और जो ठीक सीधे, ठीक सीधे मतलब कहे तो जो सीधा टक्कर करना चाह रहे थे नाभिक से, जो अल्फा कण भाई साहब सीधा प्रत्यक्ष टक्कर करना चाह रहे थे, प्रत्यक्ष सामने सामने से जो टक्कर करना चाह रहे थे भाई साहब, वो नाभिक से प्रतिकर्षित कर दी गई और सीधे वापस आ गए, और इसके बीच में क्या लग रहा है, कुलाम प्रतिकर्षण बल लग रहा है, इसीलिए ये वापस आ गए। और भाई साहब ये लगभग 10,000, कितना बोल रहा हूं मैं, 10,000 में से, 10,000 में से एक अल्फा कण होते हैं जो इस तरह से 180 डिग्री से प्रतिकर्षित होते हैं। ये कितने कोण पे हुए हैं, देखो ये वाला आगे जाएगा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री से प्रतिकर्षित हुए हैं, और ये कितने से हुए भाई साहब, ये वाला हुए हैं थीटा बराबर 180 डिग्री से, आगे गए इसी रास्ते पर वापस, कितने कोण में परिवर्तन हो गया भाई साहब, 180, देख लो आगे जा रहे थे आहा 90, वापस पुनः उसी दिशा में 180, तो 180 डिग्री का इसके बाद इसके बीच में क्या हो गया, प्रकीर्णन हो गया, प्रकीर्णन कोण कितना हो गया भाई साहब 180,
आगे वाला दिशा उसके साथ कितना 180 डिग्री का थीटा बराबर ना 180 डिग्री का क्या हो गया उसका प्रकीर्णन कोण बन गया ठीक है। इसके 90 डिग्री के तो कुछ ही कण थे जिसके 90 डिग्री बने। 10,000 में से कोई एक अल्फा कण थे, अगर 10,000 अल्फा कणों का बौछार किया गया इस परमाणु पर तो भाई साहब कोई एक अल्फा कण थे जो क्या कर रहे थे पूरे 180 डिग्री से क्या कर रहे थे वापस आ रहे थे, समझ गए। और कुछ ही थे हमारे, देख लो ये तीन इधर तीन, बहुत कम थे जो क्या हो रहे थे कुछ कोण से, ये लोग कुछ कोण से 15 डिग्री 20 डिग्री कुछ कोण से ये क्या हो रहे थे विक्षेपित हो रहे थे प्रकीर्णित हो रहे थे ठीक है। और इन सब को इन सब के प्रकीर्णन की संख्या को भाई साहब इस सभी के प्रकीर्णन की संख्या को किससे देखा जा सकता था, हमारा एक जिंक सल्फाइड का पर्दा और एक हमारा सूक्ष्मदर्शी, यही तो हमारे जीवन में है जो हमें बताएगा, बोलिए यही तो है हमारे जीवन में जो हमें बताएगा कि भाई साहब कहां पर कितनी संख्या में प्रकीर्णित अल्फा किरणपुंज आ रहा है, समझ गए। और ये किसके फलन होते हैं थीटा के, देख लो थीटा के भाई साहब, थीटा अगर कम है तो अधिक प्रकीर्णित किरणपुंज दिखाई देंगे, थीटा अगर ज्यादा है तो कम दिखाई देंगे, थीटा और भी ज्यादा है तो कम दिखाई देंगे, और 180 डिग्री है तो एक ही दिखाई देंगे 10,000 अल्फा कणों में से। तो हुआ या नहीं हुआ, प्रकीर्णित किरण पुंज किस पर निर्भर कर रहा है थीटा पर, थीटा का फलन है, समझ गए बात। चलिए ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई साहब, इस फिगर को भी डालना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे भी आप अपने नोट्स में डाल दीजिए, ये वाला गंदगी मत कीजिएगा, ये वाला गंदगी मत कीजिएगा ठीक है। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट, मिटा दूं मैं इसे, पक्का मिटा दिया जाए बच्चों, एकदम पक्का मिटा दिया जाए। चलिए मिटा देते हैं इसे, बच्चों एक और टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं 12.2.1 जिसका नाम क्या है अल्फा कणों की प्रक्षेप पथ, कौन सा पथ प्रक्षेप पथ ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स ट्रेजेक्ट्री ठीक है, ये कवर करने वाले हैं हम लोग। देखिए क्या है ये अल्फा पार्टिकल्स का प्रक्षेप पथ क्या है, अल्फा कणों की प्रक्षेप पथ क्या है। देखिए बच्चों अल्फा कणों की जो है हमारे पास वो प्रक्षेप पथ क्या है, ये देखिए देखिए बच्चों अल्फा कणों की प्रक्षेप ठीक है पथ, प्रक्षेप पथ संघट ठीक है के संघट प्राचल संघट का मतलब भाई साहब टक्कर है ना, तो अल्फा कणों की प्रक्षेप पथ संघट के संघट प्राचल बी पर निर्भर करती है ठीक है। बस एक लाइन ही लिखा मैंने और एक फिगर बना दिया, देखिए भाई साहब ये एक नाभिक है बच्चों, कोई दिक्कत, एक ये नाभिक है आपका, ये भाई साहब हमारे पास क्या है, एक हमारे पास है यह नाभिक के ठीक सामने प्रत्यक्ष रूप से टक्कर करने वाला अल्फा किरण ठीक है, अल्फा कणों की एक ही किरण ठीक है यस। और बच्चों मैं फिगर बना रहा हूं एक, ओके ठीक है, ये देखिए बच्चों यहां से लेके
इनके बीच की जो दूरी है ना, इसी को प्रक्षेप प्राचल कहते हैं, संघट प्राचल कहते हैं। बच्चों ये जो बी है ना, ये जो बी है आपका, उसे क्या कहते हैं हम लोग? संघट प्राचल कहते हैं। ठीक है, यस। प्रक्षेप पथ, कौन सा पथ? प्रक्षेप पथ। ठीक है, यस। ये क्या आपके पास? नाभिक। समझ गया बच्चों? हाँ, ये आपका नाभिक। ठीक है, समझिएगा बच्चों, ये आपके पास नाभिक है। इस नाभिक के, ठीक है, इस नाभिक के, मैं सबसे पहले इस संघट प्राचल का परिभाषा लिखता हूं। संघट प्राचल, संघट प्राचल, इसका परिभाषा क्या हो सकता है सर जी? तो देखिए, अल्फा कण, अल्फा कण की किरण के प्रारंभिक वेग सदिश, वेग सदिश, ठीक है, की नाभिक के केंद्र से, नाभिक के केंद्र से लंबवत दूरी, ठीक है, या फिर अभिलंब दूरी, केंद्रक केंद्र से अभिलंब दूरी, ठीक है, केंद्र से अभिलंब दूरी, ठीक है, संघट प्राचल, संघट प्राचल कहलाती है, संघट प्राचल कहलाती है। ठीक है बच्चों, समझाता हूं, ध्यान दो, समझाता हूं। देखो, ये जो हमारे, ठीक है, जो हमारे नाभिक से प्रत्यक्ष अल्फा कण की, ठीक है, किरण, अल्फा कण की, ठीक है, अल्फा कण की नाभिक, यहां पे की को भाई ऐसे लिखो, ऐसे लिख सकते हो, अल्फा कण की नाभिक, ठीक है, अल्फा कण की नाभिक से प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष टक्कर, प्रत्यक्ष टक्कर, है ना, प्रत्यक्ष टक्कर, प्रत्यक्ष टक्कर की, अल्फा कण की, है ना, अल्फा कण की नाभिक से प्रत्यक्ष टक्कर की, प्रत्यक्ष टक्कर की किरण के प्रारंभिक वेग सदिश की, ये लिखिए आप ऐसा, अल्फा कण की नाभिक से प्रत्यक्ष टक्कर की किरण के, नाभिक से जो प्रत्यक्ष टक्कर, जो सामने सामने टक्कर करने वाला जो किरण है, उस किरण के प्रारंभिक वेग जो है, वो जो सदिश है, उसके केंद्र से, उसके नाभिक के केंद्र से अभिलंबवत मापी गई जो दूरी है ना, उसी को संघट प्राचल कहते हैं भाई साहब। समझे बात? हाँ भाई, अल्फा कण की, अल्फा कण की नाभिक से प्रत्यक्ष टक्कर की किरण, जो प्रत्यक्ष टक्कर करने वाला जो किरण है, उसके प्रारंभिक वेग सदिश की, प्रारंभिक वेग सदिश ये है, प्रारंभिक वेग सदिश की, और नाभिक के केंद्र से, नाभिक के सेंटर पॉइंट से अभिलंबवत नापी गई दूरी, यही क्या कहलाता है? संघट प्राचल कहलाता है। समझ गए? चलिए चलिए भाई साहब, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। ले लिए आप? चलिए, मिटा दिया जाए इसे, मिटा दिया जाए सर जी, मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए सर जी, मिटा देते हैं। बच्चों हमें पता है, क्या पता है? उपरोक्त, उपरोक्त चित्र से निम्न कथन, ठीक है, निम्न कथन, निम्न कथन बताई जा सकती है, ठीक है, बताई जा सकती है। क्या क्या कथन बताई जा सकती है वो देखिए, जो उपरोक्त चित्र, जो मैंने इससे, है ना, इस लाइन से
जो ऊपर वाला जो आपका चित्र था, ये लाइन जहां भी लिख रहे हैं आप, उस लाइन के जस्ट ऊपर वाला जो चित्र था उससे निम्न कथन ठीक है ज्ञात होती है, ऐसे लिखिए भाई साहब, निम्न कथन ज्ञात होती है। ठीक है, क्या ज्ञात होती है ये देखिए, पहला पॉइंट ज्ञात होती है कि यदि संघट प्राचल, यदि संघट प्राचल ठीक है प्राचल बी ठीक है कम हो, अगर संघट प्राचल बी बहुत कम हो है ना, कम हो प्राचल कम हो, तब तब प्रकीर्णित, तब प्रकीर्णित किरण पुंज की संख्या में वृद्धि होती है, किरण पुंज की संख्या में वृद्धि होती है। बोलिए हाँ है ना भाई साहब, जितना बी का वैल्यू छोटा होगा, जितना बी छोटा होगा उतने नजदीक आते जाएंगे अपना बी का, जितने नजदीक आएंगे उतना है ना प्रकीर्णन बढ़ जाएगा, प्रकीर्णित किरण पुंज की संख्या में क्या हो जाती है वृद्धि होती है। ठीक है यस, बोलिए हाँ या ना, पक्का यस। और दूसरी पॉइंट क्या कही जा सकती है, और बच्चों यहां लिख सकते हैं इस स्थिति में, इस स्थिति में ठीक है थीटा लगभग टेंड्स टू पाई होता है ना, लगभग भाई साहब अगर कम हो गई ना बी की वैल्यू कम हो गई तो लगभग किरण पुंज 90 या 90 से अधिक, लगभग 180 बराबर क्या हो जाएगा उसका विक्षेप हो जाएगा, प्रकीर्णन कोण, इस स्थिति में प्रकीर्णन कोण, इस स्थिति में प्रकीर्णन कोण थीटा बराबर है ना पाई होता है। ठीक है दूसरा क्या है, यदि संघट प्राचल बी की मान अधिक हो ठीक है अधिक हो तब ठीक है प्रकीर्णित ठीक है किरणों में कमी आती है या लगभग नग्न ठीक है प्रकीर्णन होता है, लगभग नग्न है ना प्रकीर्णन होता है ठीक है प्रकीर्णन होता है, लगभग ना के बराबर प्रकीर्णन होगा, सीधे निकल जाएगी है ना हाँ। और इस स्थिति में क्या हो जाएगा, इस स्थिति में ठीक है प्रकीर्णन कोण, कौन सा कोण भाई साहब प्रकीर्णन कोण थीटा बराबर लगभग कितना हो जाता है 0 डिग्री होता है ना, नो प्रॉब्लम यस। चलिए तो ये दो बात लिख लीजिए, यही थी प्रक्षेप पथ से बच्चों, यही थी प्रक्षेप पथ का मतलब है कि जितने दूर जाते जाएंगे वैसे सीधे निकलते जाएंगे है ना अल्फा किरण पुंज, और जितने नजदीक आते जाएंगे जितना संघट प्राचल कम होता जाएगा वैसा प्रकीर्णन कोण में वृद्धि हो जाएगी, प्रकीर्णित किरण पुंज की संख्या में वृद्धि हो जाएगी ठीक है। तब प्रकीर्णित किरण पुंज की अधिक कोण से ठीक है अधिक कोण से प्रकीर्णन, अधिक कोण से प्रकीर्णन की संख्या में वृद्धि होती है, अधिक कोण से प्रकीर्णन वाले किरण पुंज में है ना वृद्धि हो जाती है। यदि संघट प्राचल बी की मान अधिक हो तब प्रकीर्णन कोण में कमी आती है, प्रकीर्णन कोण में कमी आ जाती है, प्रकीर्णित तो होता है लेकिन सीधे निकल जाता है, तो केवल प्रकीर्णन नहीं के प्रकीर्णित तो सब होगा, प्रकीर्णित का मतलब भाई साहब झिल्ली से टकराएगा कुछ तो थोड़ा बहुत विक्षेप तो होगा, टकराएगा थोड़ा बहुत अपने पथ से विचलित होगा, लेकिन लगभग लघु, हमने लिखा था ना फिगर में लघु कोण से ठीक है ना, कौन से लघु कोण से वो लोग विक्षेपित होते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री, तो उसको लगभग हम लोग मान लेंगे सीधे निकल जाते हैं, समझ गए। चलिए भाई साहब लिख लीजिए इस जो है ना
आप अपने बातों को, ठीक है, और फिर चलेंगे हम लोग बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। यस, मिटा दिया जाए इसे, मिटा दिया जाए, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब चलेंगे बच्चों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है 12.2.2, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन कक्षक, इलेक्ट्रॉन का कक्षक। यस, इलेक्ट्रॉन का कक्षक है ना, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कक्षक, ठीक है। यस, इलेक्ट्रॉन कक्षक है ना, इलेक्ट्रॉन और वाइटल्स, इलेक्ट्रॉन और वाइटल्स, ओके, इलेक्ट्रॉन कक्षक, ठीक है। देखिए इसमें क्या लिखने वाले हैं बच्चों, हमें पता है रदरफोर्ड ने कहा था, रदरफोर्ड के निष्कर्ष, ठीक है, अनुसार, निष्कर्ष अनुसार, ठीक है, परमाणु, परमाणु, ठीक है, के परमाणु के नाभिक में धनावेशित, धनावेशित कण होते हैं। अब तक पता चल चुका है कि धनावेशित कण कहां रहते हैं भाई साहब, एक छोटे से भाग में केंद्रित होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। यह बात तो अब तक आ चुका है। रदरफोर्ड के निष्कर्ष अनुसार परमाणु के नाभिक में धनावेशित कण होते हैं, यह बात समझ में आएगा। नाभिक कहां होता है, परमाणु के केंद्र में सौकेंद्रित होता है, ठीक है, छोटे से भाग में, और उसमें सारे धनावेशित कण रहते हैं, समझ गए। यस, उसके बाद, ठीक है, नाभिक, नाभिक, इलेक्ट्रॉन, नाभिक, इलेक्ट्रॉनों, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के स्थिर, है ना, स्थिर कक्षा से घिरे रहते हैं, घिरे रहते हैं, स्थिर कक्षा होता, कक्षा तो स्थिर रहता है ना, हाँ, उसमें इलेक्ट्रॉन घूर्णन गति करते रहते हैं, और ठीक है, और इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन अपने स्थिर कक्षा में घूर्णन गति या नाभिक के, या नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, लगाते रहते हैं, ये बात हमें पता है भाई साहब, आया नहीं है। यस, अब देखिए दूसरी बात, देखिए किसी, ठीक है, किसी, किसी भी इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसके नाभिक के चारों ओर, चारों ओर स्थिर कक्षा में, स्थिर कक्षा में, स्थिर कक्षा में गतिशील, गतिशील रहने के लिए, गतिशील रहने के लिए आवश्यक, ठीक है, आवश्यक, आवश्यक, आवश्यक है ना, आकर्षण ना, आवश्यक आकर्षण कुलाम बल है ना, गतिशील रहने के लिए आवश्यक आकर्षण कुलाम बल है ना, आकर्षण आवश्यक है ना, गतिशील रहने के लिए नाभिक एवं, ऐसे लिखते हम लोग, चारों ओर स्थिर कक्षा में गतिशील रहने के लिए नाभिक एवं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण कुलाम बल
ठीक है, अभिकेंद्री बल के रूप में प्रदान किए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, आकर्षण कूलम्ब बल गतिशील रहने के लिए नाभिक एवं इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण कूलम्ब बल, ठीक है, कूलम्ब बल आवश्यक अभिकेंद्री बल के रूप में प्रदान किए जाते हैं। अभिकेंद्री बल जरूरी होता है किसी भी कण को किसी बिंदु के परितः चक्कर काटने के लिए, क्या जरूरी होती है, एक अभिकेंद्री बल जरूरी होती है। तो वो अभिकेंद्री बल यहां पर किसके रूप में मिल रहा है भाई साहब, किसके रूप में मिलता है ना, आकर्षण बल के रूप में। ठीक है, अब माना हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर है ना कूलम्ब आकर्षण बल एवं अभिकेंद्री बल इस प्रकार व्यक्त किए जा सकते हैं। ठीक है, अब हमने बच्चों यहां पे एग्जांपल किसका लिया भाई साहब, किसका लिया, हाँ देख लीजिए भाई साहब, आपको पता है एक ही इलेक्ट्रॉन होंगे, सॉरी प्रोटॉन होंगे, किसमें, हाइड्रोजन के। ये भाई साहब चित्र मैंने किसका बनाया है, हाइड्रोजन का, है ना, हाइड्रोजन का परमाणु, ठीक है, प्रतिरूप, परमाणु का प्रतिरूप है ना, और उसमें एक ही बच्चों कितने होंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, और ये चक्कर काट रहा होगा, इसमें गति कर रहा होगा, है या नहीं है। तो इनके बीच में क्या लगेंगे, एक कूलम्ब आकर्षण बल लगेंगे, और ये कूलम्ब आकर्षण बल किसके रूप में प्रदान किए जा रहे हैं, अभिकेंद्री बल के रूप में। मतलब कहे तो अगर है ना इलेक्ट्रॉन को चक्कर काटते रहना है, गतिशील रहना है, तो यहां पर जो आकर्षण कूलम्ब बल है वह किसके रूप में दी जा रही है, अभिकेंद्री बल के रूप में दी जा रही है या नहीं है भाई साहब। कूलम्ब आकर्षण बल किसके बराबर होता है, के गुना में Q1 कितना है प्लस E, और गुना में Q2 कितना है E माइनस, लेकिन उसकी परिमाण कितना होगा E, और बट्टा में क्या होता है दोनों के बीच की दूरी किसे दिखाएंगे, R से मैंने दिखा दिया, बाह्यतम कक्षा एवं नाभिक के बीच की दूरी को मैंने R से दिखा दिया, तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर बराबर अभिकेंद्रीय बल किसके बराबर होता है भाई साहब, एम गुना में वी स्क्वायर बटा में आर के। ये मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का, भी क्या है इलेक्ट्रॉन की गति, आर क्या है इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक के बीच की दूरी। ठीक है, ये देखिए भाई साहब, लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट ताकि मैं इसे मिटाऊं और आगे लिखूं। ले लिए, बस कुछ पल और बच्चों हमारा काम हो जाएगा, कुछ देर और आप अपना दिल थाम के रखिए। चलिए, बस आज की क्लास हम खत्म करने वाले हैं, मुझे पता है आप परेशान हो चुके हैं। ठीक है, वैसा पढ़ाई से परेशान आपको नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए बच्चों, यहां से क्या आ जाएगा, के ई स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा, एम वी स्क्वायर और बटा में आर, है ना बच्चों। यहां से के को क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 मल्टीप्लाई बाई ई स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा, एम वी स्क्वायर बटा में आर। ठीक है बच्चों, यहां से एक आर कैंसिल हो जाएगा, है ना, एक आर बच जाएगा, इस आर को इधर ले जाइए, बाद में सबको इधर लेके आइए, तो क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर बटा में एम इधर आएंगे, है ना, वी स्क्वायर इधर आएगा, और ये आर इधर चला जाएगा, है ना, यस, और इधर 4πε0 भी बच जाएगा, 4πε0। ठीक है, तो बच्चों ये आ गए हमारे पास आर का फॉर्मूला, आर का फॉर्मूला क्या आ गया, ई स्क्वायर बटा में 4πε0 एम वी स्क्वायर, है या नहीं है, ये आपको एक समीकरण प्राप्त हो गया। मतलब जो त्रिज्या है
वो त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई साहब? त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या कैसे निकाली जा सकती है? निकाली जा सकती है ई स्क्वायर है ना बट्टा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और गुना में एम वी स्क्वायर से, है ना? नो प्रॉब्लम आपको? यस। तो यही हमारे क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है। बच्चों यहां से वी स्क्वायर निकालना हो तो क्या निकाल सकते हैं आप? बच्चों यहां से निकाल सकते हैं वी स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इधर आएगा, आर इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा ई स्क्वायर और बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और गुना में एम और गुना में आर, यही होगा। यस, ये बच्चों हो गया आपका सेकेंड समीकरण, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए आइए, ये डेरिवेशन आपको छोटी सी समझ में आई होगी। चलिए देखिए बच्चों, तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, ठीक है भाई साहब, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो भाई साहब हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी बराबर में 1/2 गुना में एम और गुना में वी स्क्वायर, 1/2 गुना में एम और वी स्क्वायर कितना हो जाएगा? ई स्क्वायर बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और मल्टीप्लाई में एम और गुना में आर, है ना, एम से एम कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा बच्चों ई स्क्वायर बटा में 4 × 2 = 8, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट और गुना में आर, यही आ जाएगी इसकी काइनेटिक एनर्जी, किसकी? इलेक्ट्रॉन की भाई साहब, नो प्रॉब्लम। चलो बच्चों ये कौन सा समीकरण? थर्ड समीकरण, ठीक है, कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटाऊं इसे, ले लिया होगा आपने। चलिए बस थोड़ी देर दिल थाम के बैठे बच्चों, खत्म होने वाली है आपकी, ये चैप्टर खत्म, और सॉरी टॉपिक खत्म होने वाली है, चिंता ना करें, आज की क्लास खत्म होने वाली है, सांस लीजिए थोड़ी देर, छोड़िएगा मत। देखिए बच्चों, अब हम लोग बच्चों निकालते हैं किसकी? इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। बच्चों स्थितिज ऊर्जा किसे दिखाते हैं? पोटेंशियल एनर्जी, है ना, पीई से, ठीक है, और इसको यू से दिखाते हैं। बच्चों यू का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा? तो बच्चों होता है के और गुना में पहला आवेश, पहला आवेश ई है, दूसरा आवेश कौन सा है? माइनस ई है, बटा में, बटा में आर होता है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है बच्चों? आर, ठीक है, तो यहां से यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब कौन तो कह सकते यहां पर माइनस ई क्यों लिया? क्योंकि बच्चों ऊर्जा जो है ना वो अदिश राशि है, अगर अदिश राशि हो तो भाई साहब चिन्ह का बिल्कुल ख्याल रखेंगे, अगर सदिश राशि है तो भाई साहब इससे पहले बल वाला लिखे थे हम लोग फॉर्मूला, बल सदिश राशि है, सदिश राशि अगर आप लिख रहे हो तो केवल परिमाण लिखिए, अगर उस पर तीर लगा हुआ नहीं है तो, समझ गए बात? चलिए लिखिए, के को लिख सकते हैं, तो यहां हो जाएगा बच्चों माइनस ई स्क्वायर बटा में हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और मल्टीप्लाई बाय आर, ठीक है, दिस इज योर कौन सा वाला समीकरण? फोर्थ समीकरण, ठीक है बच्चों। टोटल एनर्जी कौन सी एनर्जी? हाँ, इलेक्ट्रॉन की, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, बच्चों इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी बताइए? इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो कुल ऊर्जा हो जाएगी, ठीक है बच्चों, टोटल एनर्जी को मैं यहां पर ई से दिखा रहा हूं, ठीक है, तो टोटल एनर्जी बराबर कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितना है भाई साहब? ई स्क्वायर बटा में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट और मल्टीप्लाई बाय आर, ठीक है, प्लस यू कितना है? ये है सर जी माइनस ई स्क्वायर बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और गुना में आर, बताइए कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा, है ना, 4 × 8 है ना, तो बच्चों ये आ जाएंगे आपके 4 × 8 - 2, मतलब हो गया माइनस ई स्क्वायर बटा में, माइनस ई स्क्वायर बटा में, है ना, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट और गुना में आर, ये आ जाएगा बच्चों। कैसे नहीं समझ में आई? एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आएगा? 8 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना में आर, होगा या नहीं होगा? ऐसा कितना आएगा? 8 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना में आर, एलसीएम कितना आएगा? 8 पाई एप्सिलॉन नॉट और गुना में आर,
इससे भाग करेंगे एक आएगा, ऊपर कितना आ जाएगा ई स्क्वायर माइनस चार एफ पाई एप्सिलॉन नॉट आर से भाग करेंगे, इसमें कितना आंसर आएगा दो, तो कितना हो जाएगा ये माइनस दो ई स्क्वायर है या नहीं है, ई स्क्वायर में से माइनस दो स्क्वायर टू ई स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा माइनस ई स्क्वायर और बटा में एट पाई एप्सिलॉन नॉट आर, बोलिए हाँ है ना। हाँ तो भाई साहब टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी आ जाएगी, आ जाएगी माइनस ई स्क्वायर बटा में आठ पाई एप्सिलॉन नॉट और गुना में आर, ये टोटल एनर्जी आ गई भाई साहब, ये टोटल एनर्जी आ गई, देख लीजिए यहाँ पर ई स्क्वायर होगा है ना, ये लीजिए ठीक है कोई दिक्कत। इधर वाला तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था, ले लीजिए फिर से अगर लेना चाहते हैं तो ले लिया होगा आपने इधर वाला, इधर वाले को तो मैं मिटा देता हूँ ठीक है। यस बस बच्चों थोड़ी देर और साहस बनाए रखें ठीक है। चलिए तो टोटल एनर्जी आपका आ चुका है, इसका कौन सा समीकरण नाम दे दें, फिफ्थ समीकरण, कोई दिक्कत। यस तो बच्चों यहां यहां ठीक है इलेक्ट्रॉन, यहां इलेक्ट्रॉन ठीक है की कुल ऊर्जा ठीक है कुल ऊर्जा ऋणात्मक है, क्या है ऋणात्मक है ठीक है, इसका इसका अर्थ है, इसका अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन ठीक है नाभिक से बंधे रहेंगे ठीक है। हाँ अगर धनात्मक ऊर्जा होता तो धनात्मक का मतलब इसका इतना ऊर्जा है उसके पास, वो ऊर्जा खर्च करके वो कहीं भी चले जाता, नाभिक के आकर्षण कुलाम्ब बल से स्वतंत्रता पा लेता, बोलिए हाँ या ना। इसका अर्थ हुआ कि इलेक्ट्रॉन को है ना इलेक्ट्रॉन को नाभिक के आकर्षण ठीक है कुलाम्ब बल से स्वतंत्र करने के लिए है ना ई स्क्वायर बटा में एट पाई एप्सिलॉन नॉट और गुना में आर के परिमाण का ऊर्जा प्रदान करना होगा ठीक है। ऋणात्मक है ना मतलब इतनी ऊर्जा इस पर खर्च की गई है किसी और के द्वारा तभी वो बंधे पड़े हैं, अगर इसको स्वतंत्र करवाना है तो आप इतना ऊर्जा खर्च कीजिए और इस इलेक्ट्रॉन को स्वतंत्र कर लीजिए। समझ गए बात समझ में आई, बहुत बहुत खूंखार वाली बात थी, दोबारा रिपीट करके सुनिए आप इस बात को ठीक है। थैंक यू। चलिए आ गए हम लोग एंड पे बच्चों, लीजिए आपका आज का क्लास खत्म हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और भाई साहब इसको आप अपने नोट्स में डाल दीजिए ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए बच्चों तो इस तरह से हम लोग एंड पर आ गए हैं, आज की क्लास खत्म हो गई है ठीक है बच्चों, तालियां जोरदार तालियां। ओ रमेश सुरेश भाई साहब बोलिए, रामू श्यामू घनश्याम, ओ भाई साहब अग्रवाल शर्मा जी मीना जी हाय हेलो, क्लास खत्म हो गई, छुट्टी काटने जाएंगे बुट्टी ठीक है। थैंक यू बच्चों मेरी क्लास लेने के लिए, आनंद लेने के लिए, पढ़ाई का आनंद लेने के लिए ठीक है बच्चों। क्लास बहुत सीरियसली से हम लोग ले रहे हैं, कोई हंसी मजाक नहीं हो रहा है, क्योंकि बच्चों यह जो टाइम है वो हमारा बहुत कीमती है ना। हंसी मजाक करेंगे, मजे लेंगे हम लोग, चिंता ना करें है ना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम ठीक है, तब तक आप खुश रहिए, एकदम खुशी से है ना समय का फायदा उठाएं है ना, और प्यार बांटें छोटों से बड़ों से, आदर करें आप सभी का ठीक है, और खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का भी ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें, उनका आदर करें, अपने बड़ों का आदर करें ठीक है, वो रिस्पेक्ट करना ना भूलें है ना, मानवता ना भूलें हम लोग अपना थोड़ा सा क्या कीजिएगा, गिले सिकवे तो चलते हैं है ना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय गुड नाइट एंड थैंक यू टू वॉच माय दिस वीडियो। ओके बच्चों बाय बाय थैंक यू।